गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से रिलेटेड एग्जांपल्स। लास्ट क्लास में हमने इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे, उन्हीं की हेल्प से आज हम लोग उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी सी दैट फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम। इन दिस ब्लॉक डायग्राम वी सी दैट आर एस इज वर्कड एज इनपुट एंड वाई एस वर्कड एज आउटपुट, और यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है। इन ब्लॉक्स को रिड्यूस करके हमें आगे सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है कि एक पिक ऑफ पॉइंट है ये। इस पिक ऑफ पॉइंट को हमें इस पोजीशन पे शिफ्ट करना है। सो जब हम इस पिक ऑफ पॉइंट को इस पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे तो H1 के साथ G2 फैक्टर मल्टीप्लाई होकर एक न्यू ब्लॉक बनाएगा। सो यहाँ पर एक न्यू ब्लॉक बन जाएगा, डैट इज़ H1 G2। जैसे ही ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ब्लॉक न्यू जनरेट हो जाएगा, ये पॉइंट तो यहाँ पहुँच ही जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि जो G2 और G3 हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। सो सीरीज़ में कनेक्टेड होने की वजह से इन दोनों को रिड्यूस करके हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, G2 G3 में। जैसे ही ये न्यू ब्लॉक रिड्यूस होगा, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक G4 भी है। ये G4 G2 G3 के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। सो ये ब्लॉक रिड्यूस होकर बन जाएगा G2 G3 प्लस G4। सो देखते हैं हम आगे। यहाँ पर हमने जो रिड्यूस किया है उस फॉर्मेट में हमने इसे यहाँ लिख दिया है, सेम यहाँ पर ये लिख दिया है। अब बात आती है कि अभी हमारे पास जो ये पिक ऑफ पॉइंट है B, इस पिक ऑफ पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है। तो जैसे हम इसको शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद में हमारे पास एक न्यू ब्रांच दिखाई देगी। वो न्यू ब्रांच होगी हमारे पास दिस, दैट इज़ 1/G4 प्लस G2 G3, बिकॉज ये पिक ऑफ पॉइंट यहाँ गया। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये एज अ 1/ ये पूरा का पूरा फैक्टर उसके डिवाइडेशन में आ जाएगा। सो जैसे ही आया, उसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एज अ फीडबैक वर्क कर रहा है। यहाँ पर माइनस का साइन है। सो ये ब्लॉक रिड्यूस होकर कैसे फीडबैक को जब एलिमिनेट करेंगे तो कैसे आएगा, G4 प्लस G2 G3, जनरली आएगा G4 प्लस G2 G3 अपॉन में 1 प्लस H2 एंड दिस फैक्टर, ये इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होके आएगा। सो इसको रिड्यूस करना है, तो देखते हैं हम आगे हमने जो रिड्यूस किया है। सो ये फैक्टर यहाँ रिड्यूस होके हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे देखते हैं कि जो G1 और ये फैक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। सो सीरीज़ में कनेक्टेड होने की वजह से एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ही ये मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर, अभी एक बार बैक जाके हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है H1 G2 एंड दिस, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। सो इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे ही ये मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद में हम देखते हैं कि एक नया फीडबैक इस तरीके से बन रहा है। इस नए फीडबैक को हमको रिड्यूस करना है। जैसे हम इसे रिड्यूस करेंगे, ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा जो कि हमारे पास है ही, G1 G4 प्लस G2 G3 अपॉन में 1 प्लस H2 G4 प्लस G2 G3 अपॉन 1 प्लस यानी पूरा का पूरा फैक्टर इनटू दिस फैक्टर। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये रिड्यूडेंट फॉर्म हमारे पास आ ही गई है यहाँ पर। अब देखते हैं हम इस फॉर्मेट को देखिए, इस ब्लॉक को देखिए, ये ब्लॉक 1 के साथ फीडबैक में काम कर रहा है। सो इसको फीडबैक लूप को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन जनरेट होकर आएगा वो, और हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा वो जो मल्टीपल इंटरकनेक्टेड ब्लॉक था वो एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट होकर ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है। सो आगे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि G2 एंड H2 एक दूसरे के साथ फीडबैक में कनेक्टेड है। सो फीडबैक में कनेक्ट होने की वजह से ये सॉल्व होके आएंगे G2 अपॉन 1 प्लस H2 G2। तो जैसे ही ये सॉल्व होंगे, इसको रिड्यूडेंट फॉर्म में एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, देखिए पहले यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है, एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन उसी
के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक पिक ऑफ पॉइंट है, डैट इज ए। इस पिक ऑफ पॉइंट को अगर हम लोग शिफ्ट कर दें, तो जैसे ही हम इस पिक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक्स के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो शिफ्ट करने के बाद में हमारे पास ब्रांच में एक न्यू ब्लॉक जनरेट होता हुआ नज़र आता है, डैट इज दिस। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक जनरेट होता है, अब हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो G1 है एंड ये वाला जो ब्लॉक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। इनको एज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम लोग एक ब्लॉक में कन्वर्ट करके लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो H1 है एंड दिस फैक्टर, ये भी सीरीज़ में कनेक्टेड है, सो इनको भी हमने सीरीज़ वाइज इस तरीके से लिख दिया। बट आगे देखते हैं कि जो H3 है वो इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है, सो ये रिड्यूस होकर किस फॉर्मेट में आ जाएगा, H3 प्लस H1 एंड ब्रैकेट्स में 1 प्लस G2S2 अपॉन G2। सो आगे देखते हैं, हमारे पास एलिमिनेट होकर ये लूप प्रिपेयर होता है। इस लूप में हम देखते हैं कि ये फीडबैक में है, तो इस फीडबैक एक को एलिमिनेट करेंगे और सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन आता है वो ये आता है। ट्रांसफ़र फंक्शन को TS से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर YS आउटपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड RS इनपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये हम लोगों ने बड़ा इजीली सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक को करने के लिए आप इस सारे रूल्स आपको आने चाहिए, तभी जाके आपसे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक सॉल्व होगी। सो सारे रूल्स प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आप और भी एग्जांपल आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू।